कानून है ये हथियारबंद जिहड़े लोग लड़ाई लड़ते हैं उन्होंने वास्ते बनाया गया वा, पर हुण बिल्कुल मासूम जिन्हों का कोई सरोकार नहीं खालिस्तान नाल या 2020 रेफरेंडम नाल 16 मुकदमे तो पिछले दिनों दे विच दर्ज होए ने, जिहदे विच मेरे अपने भुलाथ हल्के का एक जोगिंदर सिंह गुज्जर उन्हूं सिर्फ इसलिए इंप्लीकेट करता क्योंकि उन्हें SFJ की एक जिहड़ी होई सीगी कन्वेंशन जनीवा दे विच 2019 वो अटेंड की जिते 2500 व्यक्ति होर सीगा। एक बहुत वैल प्लैन डिजाइन है पंजाब पुलिस का NIA का, उहदे तहत यह नौजवानों जिहड़े वो और उन्होंने लोगों चुकया जा रहा जिहड़े बिल्कुल बेजुबाने ने, जिहड़े अपने गिरफ्तारियों का अपने मुकदमों का आवाज़ भी नहीं उठा सकते, वकील तो करना बहुत दूर की गल है, और पुलिस अपने आप को कामयाब कर रही है कि असीं इत्थे खालिस्तान मॉड्यूल बस्ट करता, इत्थे खालिस्तान का मॉड्यूल बस्ट करता, इत्थे हथियार फड़ ले। साडा मनना वा कि पुलिस ते सरकारां मिल के जिथे एक भयभीत माहौल तैयार कर रहे हैं पंजाब, उत्थे साडी कौम नूं पंजाबियों नूं बहादुर पंजाबियों नूं नाल डराया भी जा रहा, धमकाया जा रहा कि खबरदार जे तुसीं किसी तरीके की कोई मंग उठाई, ये तो बहुत दूर की गल है, साढ़े अधिकारां दी मंग, साढ़े वध अधिकारां दी, साढ़े पाणियां दी, साढ़ी भाषा की, ये सानूं इंटीमीडिएट ते सानूं डराया धमकाया जा रहा। इसलिए मैं अमरिंदर सिंह जी नूं मेमोरेंडम एक वक्खरा भेजा वा। दूसरा मनसूबा जिहड़ा मैं तुहानूं दसदा कि सानूं कौमी तौर पर बदनाम किया जा रहा, ये ना भारत की सरकार नूं शोभदा ते ना कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं शोभदा। कांग्रेस हाईकमांड इहनूं काला कानून कहिंदी आ। कैप्टन साहब ने 47 सुखबीर बादल के 10 साल के राज विच होए 47 कैप्टन साहब ने 3 सालों के विच कर दिए ने। पंजाब एकता पार्टी के प्रधान अते भुलाथ तो MLA सुखपाल सिंह खैरा वालों UAPA के काले कानून खिलाफ अज श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं एक मंग पत्र दिता गया, जिथे उन्हां वालों दस्या गया कि UAPA के काले कानून के चलदिआं पंजाब सरकार वालों कुछ बेकसूर नौजवानों नूं जेल अंदर सुट के तशद्दद किया जा रहा है अते उन्हां खिलाफ नजायज पुछगिछ अते परचे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्हां यह बेनती की है कि वह इस काले कानून खिलाफ सरकारां नाल गलबात करन। असीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी अपील करते हाँ कि UAPA के काले कानून के तहत नौजवानों ते हो रहे जुल्मां नूं ठल पाई जाए। होर की कुछ कहना रहा सुखपाल सिंह खैरा दा, आओ तुसीं भी सुनो। जो केंद्र दी सरकारां ते पंजाब सरकार ने जिस ढंग दे नाल युवापा कानून का बड़े पद्धर दे उत्ते दुरउपयोग शुरू कर दिता पंजाब दे विच, पिछले कुछ दिनों 16 FIRs युवापा के तहत पंजाब की पुलिस ने दर्ज कीतियां ने, और दर्जना नौजवानों आ जिदा का बच्चा मैं दिखा रहा तुहानूं, इन्हां नूं खालिस्तानी मॉड्यूल, इन्हां नूं 2020 दे पैरोकार रेफरेंडम दे दस के SFJ दे नाल जोड़ के इन्हां दी गिरफ्तारियां करतियां। ये इन्हां नौजवानों च बहुत सारे दलित परिवारों के बच्चे ने, बिल्कुल बेगुनाह। मैं सारे हर पिंड विच जिहड़े असीं केस स्टडी कीती है तकरीबन 5 FIRs दी, पंजाब दे हरियाणे दे वक्-वक् पिंडां च जा के, रत्ता खेड़ा संगरूर जिथे एक लवप्रीत सिंह शायद उन्हां दा परिवार पिछे खड़ा वा, उन्हें NIA ने दफ्तर 51 सैक्टर चंडीगढ़ उन्हूं युवापा दे केस विच बुलाया जदों, ते उत्थे उन्होंने पता नहीं किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की, इंटेरोगेशन की, किन्ना क मानसिक या जिसमानी उन्हूं नुकसान किया। उसने 13-14 की रात को मोहाली के अंब साहब गुरद्वारा विच आण के आत्महत्या, जो गवर्नमेंट कह रही है परिवार को शुभा वा कि कतल होया उन्हां दे बच्चे का नौजवान, वह भी दलित आ। ये जिहड़ा कानून है ये हथियारबंद जिहड़े लोग लड़ाई लड़ते हैं उन्हां वास्ते बनाया गया वा, पर हुण बिल्कुल मासूम जिन्हां का कोई सरोकार नहीं खालिस्तान नाल या 2020 रेफरेंडम नाल 16 मुकदमे तो पिछले दिनों दे विच दर्ज होए ने, जिहदे विच मेरे अपने भुलाथ हल्के का एक जोगिंदर सिंह गुज्जर उन्हूं सिर्फ इसलिए इंप्लीकेट करता क्योंकि उन्हें SFJ की एक जिहड़ी होई सीगी कन्वेंशन जनीवा दे विच 2019 वो अटेंड की जिथे 2500 व्यक्ति होर सीगा। एक तस्वीर वो दिखाती कि गुरद्वारा इटली के गुरद्वारा साहब च SFJ के किसी व्यक्ति नूं सरोपा हो दिता। एक उत्ते इल्जाम लाता कि इन्हें इटली चो 200 यूरो यानी कि 15,000 रुपया भारत नूं तोड़न वास्ते वो खिलाफ उहदी एकता ते अखंडता नूं ठेस पहुँचाउण दे नज़रिए नाल 200 यूरो बाहरों भेजा। मेरे वीरो भैणों, कि इस देश की एकता ते अखंडता इन्नी कमजोर है कि 15,000 रुपये ना 200 यूरो ना टुट जाएगी। ये सारा साडा मनना वा, एक बहुत वैल प्लैन डिजाइन है पंजाब पुलिस का ते NIA का, उहदे तहत यह नौजवानों जिहड़े वो और उन्हां लोगों चुकया जा रहा जिहड़े बिल्कुल बेजुबाने ने, जिहड़े अपने
गिरफ्तारियां दा अपने ते मुकदमें दा आवाज भी नहीं उठा सकते। वकील तो करना बहुत दूर की गल है और पुलिस अपने आप नूं कामयाब कर रही है कि असीं इत्थे खालिस्तान मॉड्यूल बस्ट करता, इत्थे खालिस्तान का मॉड्यूल बस्ट करता, इत्थे हथियार फड़ ले। सेरा पिंड एक बेहतरीन एग्जाम्पल आ। सुखचैन सिंह दलित एक नौजवान चुकया, अगर वो फोटो आ तो वह भी हाईलाइट करो। सेरा पिंड की हाल है जो ये सुखचैन सिंह आ, इस पिंड की पंचायत हाकम सिंह सरपंच पंचा की हाजिरी में पटियाला की पुलिस 26 जून में घरों लैके गई है तो 28 जून उन्होंने गरीबा ने पढ़ लिया कि साढ़े बच्चे समाणा सदर पुलिस स्टेशन के गाजेवास पिंड के थाने के नाके के उत्ते एक पिस्तौल तो 7 कारतूस। दिस इज़ अ टोटल प्लांटेड केस, टोटली फॉल्स, टोटली मैनुपुलेटेड। और दिनकर गुप्ता साहब बीजेपी DGP पंजाब, उन्हों की मानसिकता सानू उदन समझ आ गई सी जो उन्होंने बयान दिता सीगा कि ये जिहड़े करतारपुर साहब कोरीडोर के राही मत्था टेकन जाते हैं पाकिस्तान के दरबार साहब गुरु नानक साहब के स्थान पर करतारपुर साहब, इन्हों 6 घंटे अत्तवादी बना के भेजा जाता। साडा मनना वा कि पुलिस ते सरकारां मिल के जिथे एक भय पीत माहौल तैयार कर रहे हैं पंजाब, उत्थे साडी कौम नूं पंजाबियां नूं बहादुर पंजाबियां नूं नाल डराया भी जा रहा, धमकाया जा रहा कि खबरदार जे तुसीं किसे तरीके की कोई मंग उठाई। ये तो बहुत दूर की गल है, साडे अधिकारां दी मंग, साडे वध अधिकारां दी, साडे पाणियां दी, साडी भाषा दी, ये सानू इंटीमीडिएट ते सानू डराया धमकाया जा रहा। इसलिए मैं अमरिंदर सिंह जी नूं मेमोरेंडम एक वक्रा भेजा वा, सारे केस स्टडी, केस स्टडी सारी डिटेल उन्होंने जा चुकी उन्होंने दफ्तर च। एक गल लग गया कि वो ना मेरी चिट्ठी पहला लिखी सी अपने भुलत्थ हल्के दे केस जोगिंदर सिंह गुजर वाली उसको एक्नोलेज किया, पर मैं उन्होंने दफ्तर में मेमोरेंडम पहुँचाता और उम्मीद करदा कि पंजाब सरकार इस गलती सुधारेगी। कारण मैं एक तो लगता पंजाब पुलिस का अपनी नलैकियां पढ़ता पा रहे हैं, रोज़ पंजाब बलात्कार, चोरियां, डाके, झूठे परचे, भ्रिष्टाचार, पुलिस नौजवानों नंगे करके थाणियां कुटदी है। वो जी एक इन्हां दी तस्वीर है, एक बड़ी भैड़ी तस्वीर, उन्होंने कहिंदे इदां कवर अप कर लो कि असीं देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, इत्थे खालिस्तान इत्थे फड़ लिया, असीं खालिस्तान मॉड्यूल उत्थे फड़ लिया, असीं उत्थे हथियार फड़ लिया, असीं उत्थे पिस्तौल फड़ लिया सारा। अगर कोई इंडिपेंडेंट जांच कमिशन लावे कैप्टन अमरिंदर सिंह, यह सारा पर्दाफाश हो जाएगा मेरे व्यू। और मैं अमरिंदर सिंह जी को कहना चाहता कि दूर मत जाओ, तुसी जस्टिस महताब सिंह गिल कमिशन तो करा लो, जरा तुसी बदलाखोरी का कमिशन आप चुन के जज साहब नूं बनाया, जिहड़े एक्टिंग जस्टिस रहे ने चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे, तुसी उन्हां तों जांच करा लोगे तुहानूं दुध दा दुध ते पानी दा पानी नज़र आ जाएगा। उम्मीद करदा वां कि पंजाब सरकार अपने बछिंदियां दी हिफाजत करेगी, गरीबां दी, नौजवानां दी, और पुलिस तों अत्याचार करन तों रोकेगी। दूसरा मनसूबा जिहड़ा मैं तुहानूं दसदा कि सानूं कौमी तौर ते बदनाम किया जा रहा, ये ना भारत की सरकार नूं शोभदा तो ना कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं शोभदा। पंजाब दे विच ना कोई खालिस्तान की मंग की गल है, ना पंजाब दे विच कोई 2020 रेफरेंडम की गल है, ये धक्के ना नौजवानों दी लिस्टां बना के थाणियां विच हर थाने 100-100, 150-150 बच्चे, लड़कियां, नौजवान उन्होंने फिंगरप्रिंट ले जा रहे हैं, उन्होंने उन्होंने सारा आधार कार्ड डिटेल सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा और उन्होंने दहशत पाई जा रही है कि खबरदार जे तुसी किसी सोशल मीडिया के पेज पर कोई पोस्ट लाइक भी की, कोई कमेंट भी किया, दैट मीनस दिस इज़ अ डायरैक्ट अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल इंडियंस, वेयर वी आर इंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन एंड वी आर इंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये साडे हकूक के उत्ते डाका वजिया जा रहा पंजाब दे विच। अमरिंदर सिंह नूं ये सारिया गैर कानूनी गल्लां रुकनियां चाहीदियां। हाँ, जिन्ना किसी ने गुनाह किया, अगर किसी ने कोई चोरी की उन्होंने फांसी थोड़ो टंगना वा, जे साइबर लॉज किसी ने वायलेट किए ने तो साइबर लॉ में उसका चलान कर दो। युआपा का उपयोग बहुत खतरनाक केसिस करना चाहिए अमरिंदर सिंह। और कांग्रेस की हाईकमांड पी चिदम्बरम तो कपिल सिब्बल उन्होंने विरोध किया वा सारा दिल्ली के पार्लीमेंट में आर्टिकल लिखे आ, इनू काला कानून दस्या तो कैप्टन साहब नूं पंजाब दे विच लागू कर रहे। कांग्रेस को सारे देश में जुआपा माड़ा लग रहा तो पंजाब दे विच उहदा तड़ातड़ इस्तेमाल किया जा रहा है। यह साडा अज्ज दा विषय आ। असीं जथेदार साहब नूं मिलांगे, पीड़ित परिवार सारे नाल ने, जिथे जिथे असीं केस स्टडी की गांव ही जावांगे और सारी गल तो उत्थे पर्दा बेनकाब करन दी कोशिश कर। किन्ने परिवार हैगे? देखो जिहड़ी साडी केस स्टडी आ इस हिसाब नाल साडे कोल 6 पिंडां च गया मैं। सेरा पिंड पटियाला, शादीपुर पिंड कैथल, रत्ता खेड़ा संगरूर, अचानक मानसा, गुरतेज सिंह मानसा शहर, और एक केस दिल्ली तो आया साड़ी भैन है संदीप कौर इत्थे कितें खड़ी है पिछे। ये कश्मीरी परिवार आ, इहदे भरा नूं उत्थे तबला सिखदा सी बेचारा गरीब आदमी, तबला, और उही 22-23 साल उम्र आ, चक के युआपा दे विच पाता वा। आ दिल्ली स्पेशल चल के आई है, तुहानूं लगदा ये अत्तवादी ने यार?
और ये लवप्रीत सिंह भी करता दिखायो जी लवप्रीत की फोटो नहीं ये वाला लवप्रीत नहीं दूजा जो लंगर वरता गया शहीन बाग के देख लो आ लगता तुम अतवादी पचास किलो का भार है ना गरीबों का बच्चों का दिहाड़ियाँ करते सीसीटीवी की दुकान से समाने काम करता वा इनू अतवादी बनाता है तो पता नहीं किन्ने पिस्तौल दो केस करते दर्ज देते एक दिल्ली करता तिहाड़ जेल सुटता एक पटियाले सदर एफ आई आर नंबर 44 पुलिस स्टेशन समाणा सदर जिथे बाकी सारे इंप्लीकेट किया इनू भी इंप्लीकेट कर दिता कसूर ए पिंड गया शादीपुर के आए ने कैथल तो पिछले खड़े होने कितने वो कहें जी ये लंगर वरता गया और एक गल होर इंट्रस्टिंग आ जिन्या फोटो फड़िया असी इन्हें किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं पुराना आ बोड़ेवाल पिंड आ जरा जसप्रीत छड़िया भी गया वा आदा भरा आ बोड़ेवाल ए इस मुंडे नूं पहला युवापा लाता जो असी कैंपेन चलाया तुहाडी मदद नाल फिर पुलिस कहती साढ़े को लैक ऑफ एविडेंस है एडे सीरीयस केस में और टॉर्चर किया थर्ड डिग्री पांच बोतल ग्लूकोज दी लगियां बाद कहते बेगुनाह वा चड्डे पाड़ दिओ टॉर्चर कर दिओ लवप्रीत वांगू सुसाइड करा दिओ तो बाद कह दिओ जी साढ़े को एविडेंस नहीं सीगा एडी नलैक सरकार है ये सारे केसिस स्टडी किए हैं और ये अचानक पिंड का मानसा देखो कि लगता तुम और पिंड चंगा तो लगता दरबार साहब खड़े हैं पिंड के कहते जी इन्हें खालिस्तान तो की लेना देना सी तंबाकू सेवन करता सीगा गरीब आदमी दिहाड़ीदार सीगा कुछ तो माड़ा मोटा गवर्नमेंट पंजाब पुलिस अमरिंदर सिंह जी कोई थोड़ा बहुत पंजाब के लोगों पर तरस से रहम करो ये साडा केस स्टडी आ और असी इन्हां दी पूरी मदद करांगे लोड़ पई कानूनी लड़ाई भी लड़ांगे जनतक लड़ाई भी लड़ांगे और कैप्टन साहब नूं इस गल नूं सारे केसिस नूं रिव्यू 16 दे 16 वैसे 47 होए ने 3 सालों दे विच कांग्रेस हाईकमांड इहनूं काला कानून कहिंदी आ कैप्टन साहब ने 47 सुखबीर बादल दे 10 साल दे राज विच होए 47 कैप्टन साहब ने 3 सालों दे विच कर दित्ते ने ये साडा मकसद सीगा तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया ये तो नज़र आ ही रहा मैं तो कह रहा पुलिस आ जदों फेल होगी सरकार जदों फेल होगी उन्होंने एक एजेंडा फड़ लिया कि एक खालिस्तान का हवा खड़ा कर दियो तुसीं सारे पंजाब च ही रहिंदे हो किड्डा खालिस्तान का इस वेले लहर चल रही है खालिस्तान की आड़ दे विच एक वोट बैंक पॉलिटिक्स एक फिरके नूं डराया जा रहा और जदों एफ आई आर लिखते एक टिपिकल एफ आई आर च कि ये जिहड़े बच्चे सीगे उन्होंने हथियार का अरेंजमेंट किया ये एक फिरके दे लोकां नूं जानों मारन दे साजिशां बना रही एक ही टाइप दियां एफ आई आर है बिल्कुल ये सारा गिनी मिथी साजिश के तहत हो रहा और अपनी नाकामियां नूं पंजाब सरकार छुपाउण दी खातर बेगुनाह लोगों से बेजुबानिया गरीबों से कहर टा रही मेरा नाम संदीप कौर है मैं दिल्ली तो आई हाँ तो मेरे ब्रदर का नाम है मोविंदर पाल सिंह जी वो तबला वाचक है गुरु घर सेवा करता तबले की है तो वह कुछ भी नहीं जो 15 तरीक न किधरे बहर काम से गया से उ सैल वाल ने उन्होंने चक लिया बस कुछ भी नहीं बस चक के तो राति सानू पता लगा 3:30 बजे असं गए तो सानू यही कहते रहने कि कुछ नहीं है सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है इससे या इन्वेस्टिगेशन हम थोड़ी सी ले रहे हैं बस यही कुछ कह कह के उन्होंने 14 दिन ले लेने रिमांड ले लें उन्होंने उस तो बाद सानू पता लगता तो वो तो गन का भी लगा दिता है तो यू आपा भी लगा दिता है जी काफी अजे तो 2007 तो मेरे को रह रहा है दिल्ली तो कुछ भी नहीं है इदा बाकी जो पुलिस को लगता सानू प्रीफ दसन लीगल तौर पर जावे इलीगल असी भी नहीं जावे असी कहें सानू दसन बस और कुछ भी नहीं है मंग यही करते हैं कि असं हूँ कल तक आए हैं देखो जथेदार साहब दसते हैं पूरी अपनी सारा कुछ की कहते हैं वो कितने तक हूँ केस लैके जाते हैं क्योंकि बच्चे बेकसूर है ने छोटे बच्चे ने एवं उन्होंने जिंदगी जेलों में ना रुल जाए प्राइम दे लई अमृतसर तो हरजीत सिंह गरेवाल की रिपोर्ट।